पड़वा हैप्पी न्यू ईयर। द नेक्स्ट वुड बी एकता जैन, एक्ट्रेस मॉडल पीआर द्वापर प्रमोटर्स। नमस्कार एंड थैंक यू सो मच कि आपने मुझे ये सौभाग्य दिया। कटक डिस्ट्रिक्ट वी हैव हीरो चेतन कुमार बिसोई, क्योंकि मैं गोविंदा जी का डांस करते करते आज फिल्मों में काम करने लगा। पहले मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे सनीशा साहब का और हमारे भाई साहब का और आप सब का। ये जो अवार्ड अम्बेडकर साहब अवार्ड जो मुझे दिया गया है उसका मैं उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ। और जिस मोहब्बत और प्यार से आपने मुझे बुलाया है, हमारे पास्टर दिनेश चावला जी का, आनंद भाई का भी धन्यवाद करता हूँ, जिनकी वजह से आप आए थे पिछली बार भी लेकिन मुलाकात नहीं पाई, बड़े होते थे तो तीसरा आदमी बेचारा कोई रास्ते पे बहुत ज़रूरी काम से जाने वाला होता जा रहा होता, वो बेचारा उन दोनों को देख के रुक जाता था, रुक करके उनको छुड़ा देता था। ये आज अगर दो भाई लड़ रहे हैं रोड पे तो तीसरा आदमी छुड़ाने के बजाय मोबाइल निकाल के वीडियो कर देते मथारू द बिग बॉस फेम बेस्ट एक्ट्रेस एंड सिंगर जसलीन जी प्लीज। और यहाँ आकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है, इस अवार्ड के साथ मुझे सम्मानित किया गया है, इस अवार्ड के लायक मुझे समझा, थैंक यू सो मच। एंड योगेश जी हैं यहाँ पर एंड जॉनी जी हैं, इनसे मिलके मुझे बहुत खुशी हुई है और आपने मुझे अवार्ड दिया है इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी है मुझे, थैंक यू सो मच, थैंक यू, कांग्रेचुलेशंस। आपको भी अवार्ड मिला, ह्यूमन राइट्स काउंसिल जो है इंटरनेशनल मुस्लिम बॉलीवुड की तरफ से जो एकदम लास्ट जो इनको जो डिजर्व करते हैं उन सबको यहाँ बुला करके अलग अलग स्टेट से और अलग अलग थोड़ों पर लेकर स्टेटों से भी सेवरल कंट्री से भी लोग आ रहे हैं, उनको भी अवार्ड दिया जा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। जो अमेरिका से जाए मैं अमेरिका से जाए सर जी बहुत बहुत। और दोस्तों नेक्स्ट
रास्ता दिखाने वाला चाहिए, दुन्ना दुन्ना तक तक दुन्ना, दुन्ना दुन्ना तक तक दुन्ना। I'm very grateful. सनी जी को थैंक यू बोलना चाहूंगी, ये अम्बेडकर अवार्ड है जिससे नवाजा गया, मुझे अच्छा लग रहा है, और स्पेशली अम्बेडकर अवार्ड था इसी वजह से मैं आई हूँ, और अरुण सर के साथ में आज ये मेरा पहला वो शो है। गुड बॉलीवुड एक्टर, आपको इतना देर रुकाया।